Hello everyone, we were discussing our topic factors affecting rate of reaction. Factors affecting rate of reaction ये हम पढ़ रहे थे. हमने इनमें से डिस्कस भी कर लिए थे कौन कौन से. नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड थर्ड टेम्परेचर. यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था. इसके बाद जो है आज जो हम डिस्कस करेंगे फोर्थ, वो है कैटलिस्ट. कि जो कैटलिस्ट है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है. तो सबसे पहले क्या है, कैटलिस्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट होता क्या है. तो कैटलिस्ट क्या है कि अ सब्सटेंस दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन. कि क्या है कि कैटलिस्ट कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है किसी भी रिएक्शन के, केमिकल रिएक्शन के. कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके जो रिएक्शन है उसका जो रेट है उसको अफेक्ट कर देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट. दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इट रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी कि ये जो जब रिएक्शन खत्म हो जाती है तो उस दौरान जैसे हमने शुरू में लिया था ये वैसा का वैसा ही रहता है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है. तो ये इसकी बात है. तो हमने कैटलिस्ट देखा इसका क्या, इसको कैटलिस्ट को 1836 में जो साइंटिस्ट थे बर्जेलियस, इन्होंने टर्म को यूज किया था 1836 में. तो ये कैटलिस्ट होता है. अब ये कैटलिस्ट क्या है, ये काम कैसे करता है. तो जब हमने लास्ट टाइम देखा था कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो क्या होता है कि कुछ जो ये यहां पे हमने देखा था, यहां पे इस तरफ एनर्जी थी और यहां था आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, की जो रिएक्शन है उसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है. तो हमने देखा था कि कोई भी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके पास कोई एनर्जी होती है, थोड़ी बहुत जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी होती है, और कोई रिएक्शन उसको होने के लिए उनके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, हमने उसको क्या नाम दिया था, थ्रेशोल्ड एनर्जी. सपोज कर लेते हैं हम कि ये इतनी यहां तक की एनर्जी होनी चाहिए, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, थ्रेशोल्ड एनर्जी. कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ई टी एच नाम दिया था थ्रेशोल्ड एनर्जी. कि जो रिएक्शन है उसको होने के लिए सपोज कर लेते हैं ए टू बी है कोई रिएक्टेंट, अगर ये आपका ए मॉलिक्यूल है इसके पास इतनी एनर्जी है, अब इसको अगर प्रोडक्ट बनना है, बी बनना है, तो उसको ये जो बैरियर है थ्रेशोल्ड एनर्जी का, इतनी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए. अगर इतनी एनर्जी उसके पास हो जाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी की जितनी, तो वो इस बैरियर को पास करके क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन वो कर लेगा. तो ये इसको हमने क्या नाम दिया, बी के यहां पे वो प्रोडक्ट है वो बन गया है रिएक्टेंट से. कब बना, कि जब उसने इस एनर्जी बैरियर को, थ्रेशोल्ड एनर्जी वाले बैरियर को क्रॉस कर दिया. अब हम देखते हैं तो इसे जो एनर्जी है इसको हमने क्या नाम दिया था, ई एक्टिवेशन या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. की जो एनर्जी हमने, एक्स्ट्रा एनर्जी हमने सप्लाई की थी किसको, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर. कि उसके पास इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी हमने प्रोवाइड करवा दी, तो अब उसकी एनर्जी कितनी हो गई, थ्रेशोल्ड के या तो बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए. ज्यादा हो जाएगी तो भी वो उसको क्रश करके क्या कर लेगा, ये आपका प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन कर लेगा. तो कैटलिस्ट फिर सब्सटेंस की क्या जरूरत हुई, तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट कोई जो है वो क्या करेगा, इसमें देखते हैं कि ये प्रोग्रेस है. अगर ग्राफ से विजुअलाइज करके हम उसको समझ पाते हैं तो चीजें हमारे लिए लंबे समय तक याद रह पाती हैं, उसके पास इतनी एनर्जी. तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम कर देता है. इट लोअर्स द
एक्टिवेशन एनर्जी। कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा कैसे, कि जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, अब हमने अगर कोई कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन है ये यहां से ऐसे हो जाएगी ऐसे। अब देखो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी वही है, प्रोडक्ट भी हमारा वही बना, लेकिन इसने क्या किया कि जो शुरू में हमने इतनी सारी एनर्जी दी थी, अब क्या किया जब हमारे पास कैटलिस्ट हो गया तो हमने सिर्फ इतनी एनर्जी जो है उसकी सप्लाई करनी पड़ी, सिर्फ इतनी ही एनर्जी हमें देनी पड़ी। तो आप देखते हैं कि जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी थी ये वाली ये एनर्जी हमारी बच गई है। तो कहने का मतलब कि ये क्या करेगा, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी तो क्या होगा, आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास, अब देखो यहां तक पहुंचने के लिए हो सकता है 10 मॉलिक्यूल्स के पास हम 10 मॉलिक्यूल को ही हम इतनी सारी एनर्जी दे पाते, लेकिन अब एनर्जी कम देनी पड़ रही है तो हो सकता है उतनी एनर्जी में हम 50 मॉलिक्यूल को दे पाए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो हमारा क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी ज्यादा होगी, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज्यादा होगी तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। तो इसमें जो मेन बात है वो क्या है कि इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। तो ये हमारा रिएक्टेंट था कोई ए और यहां प्रोडक्ट बन जाता है, तो बस अब की बार हमें सिर्फ इतनी ही एनर्जी है जो देनी पड़ी है ई एक्टिवेशन। तो इसने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है, ये इसकी बात है कैटलिस्ट के बारे में। अब जो दूसरी बात आती है वो क्या है कि अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल कैसी कि आपकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड है दोनों तरफ जा सकती है, तो उस दौरान क्या करेगा कि जो कैटलिस्ट है वो क्या करेगा, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी विद सेम एक्सटेंट फॉर बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। कहने का मतलब कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कम की उसने, उतनी ही एनर्जी भी क्या करेगा वो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी कम कर देगा। तो उसकी वजह से जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके अंदर भी कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है उसको अफेक्ट इसने नहीं किया है। तो ये इसका कैटलिस्ट के टाइप जो मेन था, इसका क्या करता है, कैसे इसने, इसका प्रोसीजर क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं या टाइप देखते हैं। तो इसके अगर टाइप्स की बात करें हम, तो टाइप्स कितने होंगे, इसके दो टाइप्स होते हैं मेनली, एक तो होता है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है नेगेटिव। अब ये इस पे बहुत सारे कैटलिस्ट आपके सॉलिड हैं, आपके गैसेस के हैं, लिक्विड्स के हैं, लेकिन हम नॉर्मली जो बात करेंगे यहां पे वो पॉजिटिव और नेगेटिव की करेंगे। पॉजिटिव क्या करेंगे आपके, ये क्या आपके इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि ये क्या करेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज कर देंगे, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट है वो क्या करेंगे, डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें क्या देखा था कि ये अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ये नहीं बताया था कि वो एक्सिलरेट करेगा डिक्रीज करेगा। तो हमने क्या यहां पर बताया कि पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा और नेगेटिव क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो निकिल आपका है, प्लेटिनम जो है ये क्या करता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के अंदर, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन उनको आसानी से होने देता है, इंक्रीज कर देता है। आपका हैबर प्रोसेस सुना होगा आपने, हैबर्स प्रोसेस, उसके अंदर जो आपका है वो कौन सा है, हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आपका अमोनिया, N2+H2 क्या बना था आपका NH3, उस दौरान आपका आयरन है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, प्लेटिनम है, वो क्या करेगा एक्सिलरेट कर देता है, एक्सिलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ SO2+O2 क्या बनाएंगे आपका, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जब है यहां पे जो प्लेटिनम है आपका PT, वो क्या कर देगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन उसको इंक्रीज कर देगा।
तो ये तो आपके थे पॉजिटिव। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करें तो यहां पे क्या है, टेम्परेचर आपका है, कैसे, रेफ्रिजरेशन जो हम देखते हैं, हम खाने को किसके अंदर रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं ताकि हमारा खाना खराब ना हो। अब देखो खराब ना हो तो कैसे, कि अगर नॉर्मल रखा रहता तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती, मतलब जल्दी खराब हो जाता जल्दी, तो हमने क्या किया उसके रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज कैसे किया कि अब लंबा समय तक हमारा खाना चल जाए और वो खराब ना हो, तो उसके लिए हमने इसको किस में रख दिया, फ्रिज में रख दिया। तो जो टेम्परेचर है यहाँ पे या रेफ्रिजरेशन है वो किसका काम कर रहा है, नेगेटिव कैटलिस्ट का कर रहा है। एक इसके अलावा है सोर्बिक एसिड है, सोर्बिक एसिड कहाँ यूज हो रहा है आपका, प्रिजरेशन में, जो हम खाना लेते हैं फूड इंडस्ट्री में, जो पैकेट है आपके लेज हैं कुरकुरे, उनके अंदर क्या डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि जो आपका पैकेट फूड है वो काफी लंबे समय तक चलता रहे। हम देखते हैं सिंपल, अगर खाना है हमारा कुछ दिनों के बाद खराब हो जाता है, लेकिन जो पैकेट्स हैं आप देखते हैं उनके ऊपर डेट लिखी होती है लगभग 6 मंथ 5 मंथ, तो तब तक वो खराब नहीं होते। तो ये किसके तौर पर यूज हो रहा है, प्रिजर्वेटिव के तौर पर। तो वो सारे आपके कैसे हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट हैं। तो ये हमने कैटलिस्ट के बारे में स्टडी किया। इसके बाद जो आपका अगला आता है वो कौन सा आता है, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। जो आपकी रेडिएशंस हैं वो भी आपकी अफेक्ट करती हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, कि कुछ रिएक्शंस हैं आपकी जो डार्क में नहीं होती हैं, जैसे आपका H2+Cl2 है, ये क्या है, डार्क के अंदर, अगर आपका डार्क है तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताते हैं इसका, लेकिन अगर ये लाइट की प्रेजेंस है, लाइट रेडिएशन है आपकी, तो क्या हो जाएगा आपकी रिएक्शन है वो हो जाएगी। इसका रीजन क्या है कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, इनके पास इतनी एनर्जी है लेकिन होनी कितनी चाहिए इतनी, तो इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इस रिएक्शन जो बैरियर है इसको क्रॉस कर पाए, इस बैरियर को। तो क्या करते हैं, जैसे ही लाइट मिलती है, लाइट मिलेगी तो उसकी एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, इनकी एनर्जी जो है इतनी एनर्जी सप्लाई हो जाएगी, बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये आसानी से क्रॉस कर पाते हैं और आपकी जो रिएक्शन है वो हो जाती है। तो प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन है वो इस प्रकार से आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको अफेक्ट करती है। उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये क्या होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि लार्जर द सरफेस एरिया फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। कि जितना ज्यादा होगा सरफेस एरिया रिएक्टेंट का, उतनी ही जो रिएक्शन आपकी कैसी हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। तो जो इसमें यहां पे होता है, हम देखते हैं बहुत बार जो पोरस लेते हैं हम, जो रिएक्टेंट है पोरस होने की वजह से क्या होता है, या हम बोले तो कैसे बारीक लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा सरफेस एरिया जो उसका ज्यादा हो जाता है बहुत, और ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन हो ज्यादा हो जाती है या फास्ट हो जाती है। अगर सिंपली इसका एग्जांपल लें तो जैसे वुड है आपकी, अगर लकड़ी है, लकड़ी का कोई गट्ठा है बड़ा सा वुड लॉग है, तो क्या होगा अगर हम देखें इसको, ये ऐसे है, अगर हम इसको बर्न करते हैं तो बर्न करते हैं तो क्या होगा, इस ये ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा टाइम लेगा। क्यों, इसका रीजन क्या कि इसका सरफेस एरिया कितना, ये वाला और ये वाला और ये वाला, बस इतना ही एक्सपोज्ड है, ठीक है। अगर हम इसको काट दें या इसके पीसेस बना देते हैं, छोटे 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 पीसेस बना दिए हमने इसके, सपोज कर लिया 5 पीसेस बन गए, तो आप देख रहे हैं कि ये लेंथ तो थी, ये वाली लेंथ भी थी, ये पूरी, ये वाला जो पोर्शन था ये वाला ये हो गया और ये वाला पोर्शन है ये हो गया, लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ, ये जो पोर्शन है ये भी इसके इंक्रीज हो गए हैं। ये पोर्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गई है। तो आप देखते हैं कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो आता है कौन सा, पोलैरिटी ऑफ सोलवेंट। पोलैरिटी ऑफ सोलवेंट कि जो हम सोलवेंट ले रहे हैं उसकी पोलैरिटी भी क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। देखते हैं कैसे, कि आपका अगर पोलर सोलवेंट है, कि जो सोलवेंट हमारा कैसा है, पोलर है, ठीक है। अब पोलर के अंदर जो प्रोडक्ट होगा आपका,
अगर मोर पोलर प्रोडक्ट बनेगा इससे, मोर पोलर प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अगर इस जो सॉल्वेंट है इससे लेस पोलर बनेगा, प्रोडक्ट जो है इससे लेस पोलर बन रहा है या नॉन पोलर है, लेस पोलर या नॉन पोलर प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारी स्लो हो जाएगी। तो पोलरिटी का इस प्रकार से इफेक्ट करता है कि अगर आपका पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें मोर पोलर बनेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। अगर उससे लेस पोलर बनता है या नॉन पोलर बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन है आपकी स्लो हो जाएगी। तो हम देखते हैं किस किस का, ट्राइलिथाइलमीन है आपकी, ट्राइलिथाइल अमीन है आपकी, जब ये किसके साथ, इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करती है, तो यहां से क्या होता है कि आप मोर पोलर साल्ट बनता है। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, अब इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, कि जैसे जैसे हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम फास्ट। तो कहने का मतलब कि अगर पोलर है, पोलर के अंदर ज्यादा पोलर बन रहा है तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर उससे कम पोलर बन रहा है तो आपकी स्लो हो जाएगी। ऐसे ही आपका नॉन पोलर के केस में होगा, अगर नॉन पोलर में नॉन पोलर बन रहा है तो फास्ट होगी, अगर पोलर बन रहा है तो स्लो हो जाएगी आपकी। तो ये हमने इसका एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिया है। इसके अलावा एक फैक्टर आता है आपका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का भी। तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के कैसे साथ कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी, कैसी इनवर्सली है, कि अगर ये ज्यादा होगा तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी, अगर आपका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सोलवेंट का कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी फास्ट हो जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सोलवेंट कैसे वेरी कर रहा है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी कर रहा है, किसके साथ है? रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। तो ये हमारे, हमने 6-7 पॉइंट को डिस्कस किया था, हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक यू।